अनन्या, कल से तुम काम पे नहीं जाओगी। मामा प्लीज। क्या प्लीज? हाँ मामा, मैं ऑफिस काम करने जाती हूँ। That is something professional. अर्णव is a different person there. बहस मत करो अनन्या, काम के नाम पे काफी कुछ कर रही हो तुम। अब अगर तुम्हें उस ऑफिस में काम करना है तो पहले तुम उस लड़के को घर बुलाओ, मैं उससे बात करूंगी, फिर डिसाइड करूंगी कि तुम वहां जाओगी या नहीं। कल मैं उससे बात करूंगी और पता करूंगी कि चल क्या रहा है। अनन्या, मुझे उससे बात करनी ही है। डू यू अंडरस्टैंड? मैं तुम्हें एक बात कहूं, यू गाइस आरंट इवन बेटर, इन फैक्ट यू आर वर्स। डिस्पाइट दैट आल्सो, तुम लड़कियां किसी भी लड़के पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती हो, कोई हैंडसम लड़का दिखाने की ऊह आह तुम्हारा बस चले तो। ओ रियली? तो तुम इस वक्त यहां क्या कर रहे हो, सिटिंग विद टू गर्ल्स इन द डिस्क, या फिर हम ही तुम्हारे पीछे पड़े हैं? अरे ऐसा ही तो है, इट्स जस्ट दैट वी गाइस आर गाइस एंड वी आर सुपीरियर टू एंड द पीपल लाइक मी द वे आई एम समवन टू डाई फॉर, राइट अदिता? Yeah, Sam, he's right. No, Adita, he's not right. और अगर ये समझता है कि लड़कियाँ इसके पीछे पड़ी हैं, तो sorry, he needs to get a reality check done. हा, यानी तुम सही हो। Hate guys, love animals. खादी का कुर्ता, ऊपर से एक झोला, चलता फिरता एनजीओ, और जिसका सिर्फ एक ही काम है, दूसरों के फोटो में टांग अड़ाना। No? बंटी, अब तुम अपनी हद से आगे बढ़ रहे हो। अरे हमें एक बार हद से आगे बढ़ने का मौका तो दो, फिर देखो। बंटी, यू? सैम, ये तुम क्या कर रही हो? बंटी, मेरा डेट है और तुम उसी पर हाथ उठा रही हो? It's like you're insulting me. और अगर तुम्हें ऐसे ही करना है, तो just leave us alone. As you wish. Are you okay? Yeah, I'm okay. तुम दो मिनट वेट करो, मैं जरा फ्रेश होकर आती हूँ। Okay. तेरे तो मजे हैं, हमेशा नई नई लड़की वगैरह आता है, लेकिन आज उस लड़की याद कैसे? अब यार क्या बताऊँ, मुझे जब यहाँ पे कोई आने के लिए मिलता नहीं है तो मैं उसी के साथ चलाता हूँ, क्योंकि वो हमेशा तैयार रहती है। She is ever ready, man. बोल है बेटा यार। यार। Vodka on the rocks. क्या हुआ? Nothing. You are here. कितनी देर लगा दी फिर तुमने? Let's go and dance. छोड़ो मुझे बंटी. I don't feel like. Oh come on यार, what's wrong with you? मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी. तुम अपने फ्रेंड के साथ क्या कह रहे थे? सब सुन लिया है मैंने. Oh chill यार, don't take all that to your heart, please for God's sake. Come on honey, let's go and dance. I don't want to dance with you. I said chill na. Come on.
Leave it alone. जाने दो अर्नव. He is not worth it. Why? क्यों कोई मुझसे प्यार नहीं करता? सब मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं. Use and dispose. पर शायद यही सच है कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता. No one. That's not true, Uduta. It is, Arnav. I know I'm dumb. और सब इस बात का गलत फायदा उठाते हैं. They have fun after hurting me. Everyone takes me for a ride. Don't take it to heart, Uduta. तो बहाने बारे में जो कुछ कहता है, सोचता है, just don't care. How can I not care? I crave for love. पर कोई मुझे प्यार करता ही नहीं है. Just nobody loves me. Nobody. Uduta, ये love, प्यार व्यार सब बकवास. There's nothing called love in this world. And whatever it is, ये सिर्फ हमें बांध के रखता है. Gives us no freedom at all. Whatever. पर मैं भी एक बार फील करना चाहती हूँ कि प्यार होता कैसे. I mean, real love? पर कौन करेगा मुझसे प्यार? No one seems to love me. I told you, na. Love ties us down. और जरूरत ही क्या है इस प्यार की? अकेले रहो, मस्त रहो. ना कोई जिम्मेदारी, ना किसी की किटकिट. हम किसी और के कहने पर अपनी जिंदगी क्यों जिए? And if you don't, then you just end up feeling guilty about it. How stupid is that? Tear up, Uduta. प्यार ही जिंदगी नहीं. I need love. I need somebody in my life. I'm so alone. और सब मेरे अकेले होने का फायदा उठाते. My life is a mess. तुम्हें मम्मा से बात करनी होगी. शी इज हर्ट एंड यू नो दैट. सिर्फ तुम्हें उन्हें मनाना पड़ेगा. डी यू नीड टू मेक अमेंड्स. कम ऑन डी, इट्स रबिंग ऑफ ऑन मी एंड इंडिया टू. तुम दोनों को एक दूसरे से बात करनी होगी एंड इट हैज टू बी डन राइट नाउ. ओके, चलो मेरे साथ डी. कम ऑन, कम ऑन डी, कम. प्लीज मॉम, प्लीज माफ कर दीजिए ना उसे. उसका चेहरा बता रहा है कि वो कितनी अपसेट है. शी इज रियली फीलिंग बैड मम्मा. आप उससे बात करिए. आई नो मॉम की उसकी गलती है, पर उस पर भी तो गुजर रही है. मॉम, अगर हम उसका सपोर्ट नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? प्लीज मॉम, फॉरगिव हर मॉम. प्लीज प्लीज मॉम. कम ऑन मॉम. मॉम माफ कर दो ना इसे. मॉम प्लीज. मॉम बहुत सजा मिल चुकी है इसको, अब माफ कर दो प्लीज. इट लुक्स लाइक अ डेड प्लेस. प्लीज मम्मा माफ कर दो. प्लीज प्लीज. ठीक है, लेकिन आज रात अनन्या अर्णव को खाने पे बुलाएगी. डन. यू आर रॉकिंग मॉम. वो जिसकी जिंदगी में मैं अब हूं ही नहीं, कल की बातें डर डर के करता है, पर जिसकी वजह से मैं आज मैं उलझ गई हूं. We'll be right back.
होता, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी अर्णव, इसका पता किसी को नहीं चलेगा। Whatever happened, you are not responsible for it. मम्मा ने अर्णव को डिनर पर बुलाया है। That's nice, isn't it? No, it isn't. क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि अब अर्णव और मेरे बीच में कुछ रहा ही नहीं। कल अर्णव ने मुझसे कहा that he can't come it. वो मम्मा से मिलने के लिए तैयार नहीं है। In fact, वो तो ये तसल्ली भी दे नहीं पाया कि वो सारी जिंदगी मेरे साथ रहेगा। It's all over, Joe. I can understand, Ananya. मम्मा तो मुझसे बात तक नहीं कर रही थी। We just made up this morning. पर जब उन्होंने मुझसे अर्णव को इनवाइट करने के लिए कहा, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उन्हें सच कह सकूं। अनन्या, you don't have any other choice. कल हमें तुमने दो रास्ते बताए थे, और अर्णव की नाने एक रास्ता बंद कर दिया है। The only way to go is to tell your mother the truth. Hi. तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी हाय में तो उदास दिखाई नहीं दे रही है। कुछ नहीं, बस ऑफिस में कुछ काम पेंडिंग था, उसे ही पूरा करने आई थी। नॉट फीलिंग वेल टुडे, आई विल सी यू गाइस लेटर। ये आज इसे क्या हो गया? वेरी स्ट्रेंज। एनीवे अनन्या, जस्ट रिलैक्स, अपनी मम्मी से बैठ के खुल के बातें करो। एंड आई एम श्योर बीइंग अ वुमन शी विल अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, और शी विल नो कि तुम्हारे दिल की जो चाहत थी अर्णव के लिए वो सच्ची थी। ऐसा लग रहा है कि अर्णव की जिंदगी में I was just one of those girls. Udita, मैं सिर्फ यहाँ तुमसे कल रात में जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी बोलने आया हूँ। एक्चुअली आई शुडंट हैव सेड व्हाट आई सेड। प्लीज Udita, प्लीज फॉर गॉड सेक मुझे माफ कर दो। इट्स ओके बंटी, अब तुम जाओ यहाँ से। नहीं यार, जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी मैं ऐसे नहीं जा सकता। ओह हाय, I'm glad कि तुम मुझे यहाँ मिल गए। कल रात में तुमने मुझे मारा, वैसे सॉरी तुम्हें कहनी चाहिए थी, लेकिन इट वॉज माई फॉल्ट। आई फील आई डिजर्व इट। ओके बाबा, आई फॉरगिव यू। अब तुम जाओ यहाँ से। थैंक्स Udita, थैंक्स Udita। ये सब क्या था? हाँ, और क्या अर्णव भी था कल रात को? पता नहीं, शायद मेरे जाने के बाद आया। पर ये बंटी किस बात की माफी मांग रहा था यार? Udita, कल तुम अपना मोबाइल मेरे पास भूल गई थी। I just came running after you, but तुम अर्णव के साथ गाड़ी में निकल गई थी। Thanks. You're welcome. What's happening Udita? And did you go with Arnav? It's so strange. एक टाइम वो था जब हमारे पास इतना कुछ था कहने के लिए, और आज we are searching for words to speak. मस्ती पर वक्त है एक ट्रैफिक अपडेट का। और मेजर जाम साकिना का दादर पर भी वही हाल है। अरे वही है जो रोज अपडेट करती है, कितनी बोर साउंड दे रही है। लगता है इसकी सैलरी नहीं मिली इसलिए बस वो अपनी ड्यूटी कर रही है। अरे बंद कर यार इसे, इसकी आवाज सुन के मेरा मूड खराब होने लग गया।
इंसाफ दी। देखा मेरे प्लान का कमाल, मामा और आपके बीच में फिर से दोस्ती हो गई ना। डी यू कैन ऑलवेज ट्रस्ट मी टू कम टू योर रेस्क्यू। हे बाय द वे, डिड यू इनवाइट अर्नव फॉर डिनर नो टुनाइट? आई एम श्योर वो मामा की बात सुनकर बहुत खुश हो गएगा। पता है दी, आई एम सो हैप्पी फॉर यू कि मामा ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। एंड आई एम श्योर यू आल्सो वेरी वेरी हैप्पी। यू आर ना डी? This reader's spot is so amazing, I'm telling you. Yeah, ye bhi bahut interesting hai. You know Arnav left early today? Yeah, I know, pata chala mujhe. And ye wo dekho. Yeah, yeah. Oh. Hey Ananya. Hi. Pass me nahi Italian joint khuli hai. We're going there to grab a bite. Why don't you join us? Not today. Why? Aaj ek zaruri kaam hai mujhe. Some other day. Ananya, I know you're going to Arnav's place. And if you ask me for my opinion, I think you shouldn't go. No way. आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, विच हैज़ टू बी फिनिश्ड टुडे इटसेल्फ। मुझे वो आज खत्म करना ही पड़ेगा। या ठीक, आई विल कॉल यू बैक। व्हाट वाज रॉन्ग विद यू टुडे? मैंने आज तुम्हारा ट्रैफिक अपडेट सुना, बहुत बुरा था। वो सर, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। देखो, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग रखना सीखो। एंड आई डोंट वांट दिस थिंग टू हैपन अगेन। अर्णव कहाँ है? ये शैनल को दे देना और कहना आई कांट कीप इट। मेरी तरफ से उसे थैंक्स भी कह देना। प्लीज, मैं ऐसे ले जाकर उसे वापस नहीं देने वाला। शी गेव इट टू विद लॉट्स ऑफ लव। उसे वापस देने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मैं यहां लौटाने आई हूं एंड यू हैव टू गिव इट बैक टू हर। और ये तुम्हारे फ्लैट की चाबी। अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है।